यूपी के बहराइच से खबर है। बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से लागू की गई कृषि कानूनों का किसानों की ओर से लगातार विरोध जारी है। वहीं किसानों का नेतृत्व कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत के विरुद्ध शहर के कई स्थानों पर पोस्टर लगने से सनसनी फैल गई है। ये पोस्टर किसान कर्ज मुक्त अभियान कमेटी नाम के संगठन की ओर से लगाए गए हैं। पोस्टर में राकेश टिकैत को किसान के नाम पर कलंक बताते हुए उन्हें जूते मारने पर 11 लाख का इनाम देने की घोषणा की गई। राकेश टिकैत के खिलाफ लगाए गए पोस्टर में टिकैत पर खालिस्तान देशद्रोही हवाला और कांग्रेस से फंडिंग कर आंदोलन चलाने का आरोप लगाया जा रहा है। शहर के विकास भवन, जिला जज गेट के सामने, जेल के पीछे की दीवार, पानी टंकी, केडीसी त्राहा, कचहरी रोड, रेलवे स्टेशन, रोडवेज आदि स्थानों पर यह पोस्टर लगाए गए हैं। साथ ही राकेश टिकैत को किसान कुल का कंस भी बताया गया है। पोस्टर में लिखा गया है कि जो भी राकेश टिकैत को जूता मारेगा उसको संगठन की ओर से 11 लाख रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। बहराइच से संवाददाता रफीकुल्ला खान की रिपोर्ट। मैं जैनू ठाकुर, राष्ट्रीय संयोजक किसान कर्ज मुक्त अभियान कमेटी। ये जो पोस्टर लगाए गए हैं हमारे जिला अध्यक्ष के द्वारा बहराइच में, हमारे निर्देश पर लगवाए गए हैं। और ये किसान संगठन जो चला रहा है, किसान नेता राकेश टिकैत, ये राकेश टिकैत नहीं, राकेश डकैत है। और ये खालिस्तानियों के और हवाला और कांग्रेस के फंडिंग पे चला रहा है। पाकिस्तान से सब फंडिंग हो रही है उस पे चला रहा है। कोई किसान परेशान नहीं है। मैंने 15 दिन के लिए दौरा भी किया, कोई किसान परेशान नहीं है। हम गांव में जाकर एक एक किसानों से पूछे हैं, कोई किसान परेशान नहीं है। सब मोदी जी के साथ हैं और मोदी जी कहीं कोई गलत नहीं कर रहे हैं। कोई किसान परेशान नहीं है। संबंधित पोस्टर लगाए जाने की जाँच करने के बाद जो पता चला है कि एक व्यक्ति है जो लव विक्रम सिंह उर्फ जैनू ठाकुर सना धनंजय विक्रम सिंह, जो त्रिभुवन दत्तपुरवा ग्राम सुतौली थाना हजूरपुर का रहने वाला है, उसने आक्रोश में ये पोस्टर बनवाया और उसको करीब 50 पोस्टर उसने छोटे छोटे पंपलेट्स बनवाए और चिपका दिया। उसने जो जिस प्रिंटिंग प्रेस से अमन गुप्ता अमन प्रिंटिंग प्रेस से जिसका मालिक अमन गुप्ता सना दिनेश गुप्ता है, जो ब्राह्मणी पूरा कोतवाली नगर का रहने वाला है, उसके प्रिंटिंग प्रेस से उसने छिपवाया था। इन दोनों को रात में ही गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई कराई जा रही है। और ये जो 50 पंपलेट इसने बनवा के चिपकवाया था, हर पॉइंट पे जाकर के इसने बता दिया, उनको वहाँ से रिमूव करा दिया गया है।